वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 3 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के रिसेंटली रिलीज की गई है। मतलब जो गेमिंग का एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ फाइंडिंग्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूज़ तो ये कि किसने रिलीज की है, ये पॉइंट आपका बनता है। तो IEIC प्लस विंजो के द्वारा कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। हियर IEIC स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल। और विंजो क्या है? एक पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने मिलकर इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 रिलीज की है। की फाइंडिंग्स, इसका मतलब है कि क्या क्या आउटकम्स रही, क्या क्या ये रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोलती है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो सबसे बड़ी गेमिंग मार्केट बन चुकी है दुनिया में विद 568 मिलियन यूजर्स। यानी इतने जो लोग हैं वो गेमिंग में इंडल्ज्ड हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लोबली तो 5 में से 1 ऑनलाइन गेमर इंडिया से ही होगा। अब अगर हम बात करें इंडिया की गेमिंग कंपनीज के बारे में, तो 2015 में 25 के अराउंड जो है यहाँ पे कंपनीज थी, गेमिंग कंपनीज। लेकिन अब 2022 के इन्होंने डेटा एनालाइज किया, उसके हिसाब से 1400 से ज्यादा हो चुकी हैं कंपनीज जो कि गेमिंग कंपनीज हैं, ठीक है। रेगुलेशंस, अच्छा गेमिंग के ऊपर कौन रेगुलेशंस लगाता है, कौन कंट्रोल करता है, तो वो है MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये है नोडल एजेंसी फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है जी। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि देखिए अगर आप डेली नोट्स बनाते हैं बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उन्हें रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए सेकेंड न्यूज अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट रीजन सॉइल इरोजन स्टडी रिपोर्ट रिलीज पाए। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पता है क्या है? ईस्टर्न घाट की हाइएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट की हाइएस्ट पीक। देखिए हमने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। दोनों चीजें मैं आपको दो दो बार पढ़ा चुकी हूँ, दो दो बार हम कंप्लीट कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आई होप आप ये बिल्कुल बेसिक से चीज तो आपको ध्यान रह गया होगा। इस तरह से इंडिया कुछ दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा ये नैरो हो गया, आप देख लेना। तो ये है आपका ईस्टर्न घाट, ये है आपका वेस्टर्न घाट। डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए, प्लस का साइन बनाते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। काफी बार ये चीज मैं अभी तक डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे न्यूज क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है उस साइड पे सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसके ऊपर स्टडी रिपोर्ट लेकर आया है IIT बॉम्बे। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जो कि IIT बॉम्बे लेकर आया है, मैक्सिमम सॉइल लॉस हो रहा है महाराष्ट्र में एंड मिनिमम सॉइल लॉस हो रहा है केरला में, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड न्यूज देखते हैं। तो गगन शक्ति 2024, ये देखिए इंडिया की सबसे बड़ी एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है। देखिए मुझे बहुत अच्छे से ये चीज विजिबल हो रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये पेन क्यों नहीं विजिबल हो रहा। बेशक नेक्स्ट, अभी मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया, मैं लिखते लिखते मुझे ध्यान आया कि नहीं यूज करना था, नेक्स्ट वीडियो से मैं यूज नहीं करूंगी। जैसे कि कॉमेंट्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, मैंने पूछा था और आपने कहा कि नहीं विजिबल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसे आगे यूज नहीं करेंगे। बट इस वीडियो में हो गया तो थोड़ा सा कॉपरेट करें। गगन शक्ति 2024 इंडिया की सबसे बड़ी एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स मिलिट्री दोनों की एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई है, 10 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज है, हर 5 साल में एक बार होती है। 2024 की बात करें तो फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में हो। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, पोखरण कौन सी स्टेट में है, आप मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दें। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पेज भी होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है कि एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये बुक लिखी है एस रमन जी ने, जो कि कौन है, रिटायर्ड चेयरमैन एंड MD है कैनेडा बैंक के, मतलब एक बैंकर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि बुक किसने लिखी है, ठीक है। ये बुक लिखने वाले कौन है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जस्ट वैसे ही आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एस रमन जी हैं कौन। तो कैनरा बैंक के चेयरमैन एंड MD रिटायर्ड हैं और सेबी के मेंबर भी रह चुके हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE, BSE, तो उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है सेबी।
सेबी के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से। नहीं, अगर आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं, मेरे YouTube चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं और वहां पे जाके इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। टोटल 111 वीडियोस वहां पे हैं, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज पढ़ाई है, आप देखें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल वो रहेगा। चलिए, बुक का नाम एंड ऑथर याद रखना है, आगे चलते हैं। फिफ्थ न्यूज हमारी है कि पहले साउथ इंडिया के एक्टर जिनका वैक्स स्टैचू बना है मैडम टुसाड्स दुबई में, तो वो है अल्लू अर्जुन। वो जो मूवी आई थी ना कि मैं झुकेगा नहीं, वो वाली है ना, तो आई थिंक वही है ये। तो जैसे मर्जी रिलेट करके बस याद रख लो कि पहले साउथ इंडिया के एक्टर हैं जिनका वैक्स स्टैचू बना है मैडम टुसाड्स दुबई में। ठीक है जी, आगे चले सिक्स न्यूज की ओर। तो दुनिया का पहला ऐसा टेम्पल जो कि ओम शेप में बना हुआ है, कहाँ पे बना है? देखिए, ये होती है ओम की शेप, चलिए ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये टेम्पल ऐसा है कि इस तरह से बना हुआ है सारा इसी शेप में। ठीक है, तो कहाँ पे? राजस्थान में। इसे ओम आकार टेम्पल भी कहते हैं। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के जद्दन विलेज में बना है और इसकी नींव 1995 में रखी गई थी, लेकिन अब फुल फ्लैश बन के ये तैयार हो गया है। ठीक है जी, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से रैप अप करके फिर हम नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। सेवन्थ पॉइंट हमारा है टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड। ये अवार्ड किसे दिया गया है? विजय जैन को दिया गया है, जो कि स्टार एस्टेट के एमडी रह चुके हैं। ये आपको बहुत ध्यान नहीं रखना, टाइम्स का पावर आइकन अवार्ड विजय जैन जी को दिया गया है। किसके द्वारा? द टाइम्स ग्रुप के द्वारा, एंड दैट्स इट। अवार्ड कब से दिया जा रहा है एंड एवरीथिंग नहीं देखने की जरूरत, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, किसे दिया गया यही बहुत है। आगे चलते हैं एट पॉइंट की ओर। तो दो लोगों का निधन हुआ है रिसेंटली जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हैं स्वामी स्मरणानंद महाराज जी, पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे? रामकृष्ण मिशन के चीफ थे। अब रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा फाइंड किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी, ये आप अपने आप से एड ऑन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक और पर्सन की डेथ हुई है, लक्ष्मी नारायणन शिशु, पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे? तमिल के एक्टर थे। आप सोचेंगे जिन लोगों की मृत्यु हो रही है हम क्यों उनके बारे में जाने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्सन कौन से फील्ड से रिलेटेड थे। बिजनेसमैन थे, एक्टर थे, डांसर थे, कोरियोग्राफर थे, पॉलिटिशियन थे, क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। और आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा जनरल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ मिल जाएगा जनरल साइंस के अलावा। तो अगर परचेज करना चाहते हैं, परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए इसी के साथ सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का नाइन्थ पॉइंट है दैट हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भारत रत्न अवार्ड दिए राष्ट्रपति भवन में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि भारत रत्न अवार्ड किस किस को दिया गया या कौन कौन सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत अच्छा पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हम इसे अभी क्यों पढ़ रहे हैं अगर हमने पहले पढ़ लिया? देखिए पहले अनाउंसमेंट हुई है, अब दिए जा रहे हैं, राइट। अब देखिए ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये भी मैं स्टैटिक जीके में पढ़ा चुकी हूँ, सबसे पहले दिया गया, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है ना, कब दिया जाता है, कौन सी डेट को, सब कुछ पढ़ा है हमने। स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। टोटल 99 वीडियोस वहां पे, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैंने वहां पे पढ़ा रखे हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है फिलहाल किस किस को दिया गया। एम एस स्वामीनाथन सब जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट थे। कर्पूरी ठाकुर जी फॉर्मर बिहार के सीएम रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी डिप्टी पीएम। अब देखिए इन चार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पोस्ट ह्यूमसली इन्हें ये अवार्ड दिया गया, मतलब इनके बिहाफ पे जो फर्दर इनके जनरेशन के होंगे है ना, पोता पटपोता, वो रिसीव करेंगे या कोई और जो भी है, मतलब इन लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो इनके बिहाफ पे दिया जा रहा है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्हें इनके घर पे दिया जाएगा ये अवार्ड। ठीक है, तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब पूरे साल इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना कि रिसेंट में आए और रिसेंट में बिल्कुल फिर उड़ भी जाते हैं हवा में, इंपॉर्टेंट नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जैसे भारत रत्न अवार्ड है, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है ना, ये सारे आपके कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो साल में एक बार दिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
नोबेल प्राइजेस हो गए पूरे साल में, आने क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, तो वो आपने ध्यान रखने हैं। नाउ टेंथ पॉइंट हमारा है कि पहला फेज दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन पे बने हुए कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का पूरा हो गया, ठीक है। कहाँ पे खुला है इसका जो पहला मतलब पहला फेज क्या, जो पहले फेज का वर्किंग कहाँ पे कंप्लीट हुई है, क्योंकि एक जगह पे खुला है मुंद्रा गुजरात में, गौतम अडानी ग्रुप के अंडर ये प्लांट जो है बनाया जा रहा है, तो वहां पे इसका पूरा फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा एक ही लोकेशन पे कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है ना। अदरवाइज दुनिया के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड किसी कंट्री में है ना, तो कंट्री में अगर वो प्लांट होगा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, अलग अलग जगह पे होगा, है ना, उसको एक ही प्लांट कंसीडर करते हैं, प्लांट वन प्लांट टू ऐसे कंसीडर करते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पे कॉपर मैन्युफैक्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट गौतम अडानी ग्रुप का मुंद्रा गुजरात में, ठीक है जी। आगे चलते हैं 11th न्यूज की ओर, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है SIA इंडिया एंड एब्रासेट के बीच में। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है टू प्रमोट स्पेस कॉपरेशन, स्पेस सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब ये SIA क्या है, इंडिया की लीडिंग स्पेस एसोसिएशन है, स्पेस एसोसिएशन समझते हैं जो स्पेस सेक्टर से डील करने वाली कंपनी है, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया। और एब्रासेट क्या है, मतलब ये इंडिया की कंपनी है, दूसरी है ब्राजील की, तो इंडिया और ब्राजील ने मिलकर स्पेस कॉपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। और एब्रासेट है ब्राजील की प्रोमिनेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन, वही सैटेलाइट फील्ड में काम करने वाली। तो अब काम एम क्या है इसका, क्यों इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, टू इंक्रीज प्रोग्रेस इन स्पेस सेक्टर ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के स्पेस सेक्टर में प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, मतलब काम और अच्छे से हो, फास्ट हो, जल्दी हो, उसके लिए, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए अपने आज के लास्ट पॉइंट की ओर, एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। आज का लास्ट पॉइंट है लुइस गॉसेट जूनियर, पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थे, एक्टर थे, ऑस्कर विनिंग स्टार थे, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।